हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का आर्यन गुड़िया ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने मालती चौहान बिठूराज इन लोगों का वीडियो तो देखा ही होगा। इनके मौसा जी की डेथ हो जाती है और रो रो के वीडियो बनाते हैं अपने मौसी जी को साथ में लेके। और चलिए, अच्छी बात है, यहाँ तक तो अच्छी बात है, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चाहे वो मौसी हो, मौसियाँ हों या फिर कोई गाँव का अन्य सदस्य। हेल्प करने में ये नहीं सोचना चाहिए वो हमारे घर से है या रिलेटिव है या कहीं बाहर का है। हेल्प हर किसी की करनी चाहिए, बट कभी कभार होता है ना कि हेल्प करते करते और खुद का जश्न मनाना शुरू कर दो, ये बहुत ही अश्लीलता की तरफ जाता है ये चीज़, ठीक है। अभी आप रो रो के वीडियो बना रहे थे कि मेरे मौसा जी की डेथ हो गई है, उनके मौसा जी के बेटे की भी डेथ हो गई थी एक साल पहले, उसका भी आपने वीडियो बनाया था। और एक तरफ से आप मौसी जी की वीडियो बना रहे हो, इनकी हेल्प कीजिए, और आप बर्थडे में एंजॉय कर रहे हो किसी के, तो ये कहीं ना कहीं देखने में बहुत ही गलत लगता है। मालती चौहान बिठूराज जी, देखिए, मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ, आपका प्रशंसक भी हूँ, आपका फ़ैन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाना चाहिए कि भाई देखो, यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो 4-6 दिन का तो आपको कम से कम गम दुख मनाना चाहिए था। आप तुरंत बर्थडे में चले गए, वहाँ एंजॉय कर रहे हो, ये चीज़ शोभा नहीं देता आपको, ठीक है। भले आप उस चीज़ को बाद में आप रियलाइज़ करो, वीडियो में दिखाते हो, लेकिन लोग क्या है, लोग आपकी जो असली चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को कैच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का मानना है, देखिए, यूट्यूबर की ज़िंदगी एक होती है हर चीज़ को कैद करना, ब्लॉग का मतलब होता है सुख हो या दुख हो हर चीज़ को दिखाना होता है। बट बर्थडे था, दूसरे के घर में था, आपके घर पे तो था नहीं, और लोग अपने घर पे भी नहीं मनाते हैं जब तक कुछ हो नहीं जाता है, तो प्लीज़ ये सब ऐसा मत कीजिए, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।